हाय गाइस, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बढ़िया हैं। आशा है आप सभी से कि आप सभी अच्छे हैं। वैसे आप अच्छे हमेशा रहते हैं और हमेशा ऐसे अच्छे रहिए, बढ़िया है। लेकिन हाँ, पढ़ाई भी करते चलिए, उसी में मज़ा आएगा। पढ़ाई कितनी हुई आप लोगों की? क्या क्या कंप्लीट हुआ? उम्मीद है कि आप पढ़ रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अपने आप को चीट नहीं करना, पढ़ लो, ठीक है? बिल्कुल पढ़ लो, बी ऑनेस्टली पढ़ लो। आज हम यहाँ पर इंग्लिश की क्लास करेंगे और मैं लाइव नहीं आई, क्योंकि आप जान ही रहे हो, काम है, नहीं कर पाई। आज मैं लाइव क्लास भी मेंबरशिप की नहीं ली, जो भी स्टूडेंट मेंबरशिप के हैं। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चीज़ें हैं, प्रॉब्लम कुछ वैसे नहीं है, बट काम की वजह से नहीं कर पाई मैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। सभी को, जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर आए हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आज हम करेंगे इंग्लिश की क्लास, जो कि हम पढ़ेंगे प्रिपोजिशन। उस दिन मैंने कुछ आपके टेस्ट जब लिए थे तो बहुत गलत हुआ था, तो मैं उनके कुछ प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। पहले बता दूंगी, फिर करवाऊंगी, और इसी में से आपके आएंगे भी। और इसके बेस पे ये एक्सरसाइज का जो टर्म है, ये काफ़ी बार चलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। पहली बार जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आइए जानते हैं कि यूजेस कैसे हमें जानने हैं, जो उस दिन गलतियाँ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा की थी, वो कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पूरी क्लास बहुत अच्छे से अटेंड करिएगा। चलते हैं, एक एक के बारे में ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे मीनिंग को समझते हैं, परिभाषा को देखते हैं, तो एक डेफिनेशन तो बनती है कि प्रिपोजिशन होता क्या है, क्योंकि हमें आता है डिफाइन प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन की डेफिनेशन लिखे, डिफाइन करने को आता है, तो हमें सिंपली एक परिभाषा लिखनी होती है और हमें उनके कुछ एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं। तो प्रिपोजिशन क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय प्रिपोजिशन? डिफाइन प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट रिलेशनशिप। प्रिपोजिशन जो होता है वो एक वर्ड होता है, शब्द होता है, जी हाँ बिल्कुल, जो एक रिलेशनशिप को, एक संबंध को बिल्ड करता है, एक प्रकार से ब्रिज, पिलर, च्विंगम, फेविक्विक, गम, कुछ भी कह सकते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में होता है, एंड अदर वर्ड इन द सेंटेंस, एंड अदर वर्ड इन द सेंटेंस। आप अगर जो है, अगर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा को अगर सही समझ रहे हैं ना, फिर आप गलत नहीं करते। लेकिन क्या होता है कि हम उस चीज़ को पूरा क्लियरली समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रिपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है दैट इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन विद अदर वर्ड, यानी कि जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन होते हैं, उनका उस सेंटेंस में अदर वर्ड्स के साथ एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए हम प्रिपोजिशन को यूज़ करते हैं। जैसे इन, ऑन, एट, टू, विद, अंडर, अबव, इनटू, बाय, ऑफ, ये आप देख रहे हैं, ये जितने भी हैं सारे के सारे प्रिपोजिशंस के ही एग्जांपल्स हैं। तो जब भी पूछा जाए ये परिभाषा और इसके एग्जांपल्स आपको करने हैं, जो कि सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइट में। अब हमें जैसे यहाँ पर हमें ये इन दिया है, हमें ऑन दिया है, एट दिया है, टू दिया है, अंडर दिया है, अबव दिया है, ये हमें यूज़ करना नहीं आता। हम जब इनका फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, मैच द कॉलम, ऐसा समथिंग कुछ भी करते हैं, तो हमें वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो उसी को मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, ठीक है? तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, वो हम देखेंगे ऑन और अपॉन। ये एक प्रिपोजिशन है, जो कि जब हम उस दिन पढ़ रहे थे तो हमें बहुत बार ये देखने को मिला, ऑन और अपॉन। ऑन और अपॉन का जो मीनिंग होता है वो होता है के ऊपर। ऑन और अपॉन का मतलब क्या होता है? होता है के ऊपर। मतलब इससे क्या निकल रहा है कि जब कोई चीज़ टच करे, जैसे कोई सामान रखा है या कोई बॉक्स रखा है, कोई टोकरी रखी है, फल की है, कुछ भी है, टेबल के ऊपर, तख्त के ऊपर, या किसी चीज़ के ऊपर आपने रखी है, ड्रॉअर के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर, जहाँ भी आपने रखी है, तो जब कोई चीज़ कहीं रखी है और दूसरे वाले सरफेस से, जैसे मान लो एक फल की ये वो है टोकरी, ठीक है, और ये टेबल बनी हुई है और इस टेबल पर रखी हुई, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो टोकरी रखी हुई है इस टेबल के सरफेस को टच कर रही है। तो जब कभी भी ऐसी कोई चीज़ हमें देखने को मिलती है जहाँ पर हमें वो सामान उस चीज़ को क्या कर रहा है, उस चीज़ को टच कर रहा है, यानी कि दोनों के सरफेस के बीच में एक टच बन रहा है, तो वहाँ पर उस केस में हम ऑन और अपॉन को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं? ऑन और अपॉन के प्रिपोजिशंस को यूज़ करते हैं। जैसे माई बुक इज़ ऑन द टेबल, मेरी पुस्तक किताब पर रखी है। जब तब टेबल पर बुक रखी है, तो इसका दैट मीन ये है कि वो बुक का जो सरफेस है निचला वाला और टेबल का जो ऊपर का हिस्सा है वो टच हो रहा है। तो इसीलिए हमने ऑन प्रिपोजिशन को यूज़ यहाँ पर किया है।
दूसरा एग्जांपल देखते हैं, माय पेन इज आल्सो ऑन द टेबल, ठीक है, माय बुक इज ऑन द टेबल, माय पेन इज आल्सो ऑन द टेबल, मेरी पेन भी टेबल पर है, तो यहाँ पर ऑन है। तो ऑन और अपॉन को हम यूज़ करते हैं के ऊपर के लिए जब ऐसी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। एक प्रीपोजिशन, एक सिंपल सा रूल, दो एग्जांपल। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, ओवर। ओवर को हम यहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, ओवर का मतलब भी होता है के ऊपर। हम कंफ्यूज भी इसी जगह होते हैं कि जहाँ पर दोनों का मीनिंग के ऊपर है, लेकिन हम कैसे जानेंगे, क्योंकि के ऊपर भी एबव होता है, ओवर होता है, कैसे जानेंगे। तो इनका सिर्फ जानने का एक ये है कि जब कोई चीज़ किसी को टच ना करे, मतलब ऊपर तो है, ओवर है, ओवर हो गया, ओवरफ्लो हो गया, ओवर वेट हो गया, बट वो चीज़ को टच नहीं कर रही है, उसको सरफेस को, उन दोनों के बीच कोई लिंकअप नहीं है, तो वहाँ पर हम ओवर को यूज़ करते हैं। जैसे फैन, द फैन इज़ ओवर माई हेड, पंखा मेरे सिर के ऊपर, लेकिन आपका पंखा का सर टच नहीं कर रहा है। द क्लॉक इज़ ओवर मधु हेड्स, ठीक है, घड़ी जो है मधु के सिर ठीक सर के ऊपर है। तो इस तरीके से जब कोई चीज़ होती है, कोई सरफेस है, कोई सामान है, दोनों के बीच में टच नहीं, लेकिन वो ऊपर है, तो वहाँ पर हम ओवर को यूज़ करते हैं। दो हो गए सिंपल सिंपल, यहाँ तक समझ में आए सभी को, आगे बढ़िए। तीसरा जो मोस्ट आस्किंग है वो है इन, इनका मतलब होता है मे, ठीक है। अब यहाँ पर अभी ये इनका मतलब मे ही है, तो कोई चीज़ इसमें मे का मतलब है, कोई चीज़ उसमें है। अब इसका भी अभी दूसरा मैं बताऊँगी तो आपको और समझ में आएगा। जैसे हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, वी आर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम, तो हम यहाँ पर क्या इन यूज़ करें, मतलब मे पूरी चीज़ वो फिक्स है कि वो वहाँ पर ही है, चीज़ें हैं मे, रजनी मुंबई में रहती, रजनी इज़ लिविंग इन मुंबई, तो इन यूज़ होगा। तो इस तरह हम अक्सर देखो मीनिंग हम सबको पता होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब इससे दो चीज़ सिमिलर होती है, जैसे ओवर और ऑन दोनों का मीनिंग ऊपर था तो वहाँ पर कंफ्यूजन होती है। तो ऐसे इन और इनटू भी होता है जिसमें कंफ्यूजन होती है। जब इनटू आता है तो इनटू का मीनिंग भी मे होता है, तब हम कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर इन फिल करेंगे या इनटू। तो इनटू में, इनटू का एक नियम यह है कि जब कोई चीज़ किसी में घुस जाए, कोई चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, वो जैसे कोई पाइप है, दो पाइप एक साथ जॉइंट हो जाए, या किसी पाइप में कुछ चला जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए, तो यहाँ पर इनटू जब कोई चीज़ में घुस जाए, तो यानी कि लड़का पानी में कूद गया, तो द बॉय जंप इनटू द रिवर, तो यहाँ पर उसमें पानी में वो घुस गया, नदी में वो घुस गया, तैरने लगा, तो यहाँ पर इनटू यूज़ होगा, ना कि इन द रिवर होगा। कार टकरा के शोरूम में घुस गई, कार का एक्सीडेंट हुआ, वो टकराई और शोरूम में डायरेक्ट घुस गई, द कार डैश इनटू द शोरूम। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर ये बात आप यूज़ करें, तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है जो माइन्यूट सा है, पता होना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट, विद इन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, के अंदर। जब कहीं पर कोई चीज़ के अंदर की बात होती है तो वहाँ पर, जैसे यहाँ पर है कि मैं यह काम 5 दिन के अंदर कर लूँगा। जैसे हम बोलते हैं कि ये कोर्स, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एक टारगेट बनाइए कि आपको 3 दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं। तो जब एक लिमिट हमें बंध जाती है या एक लिमिट हमें बाउंड हो जाती है, तो वहाँ पर हमको विद इन यूज़ होता है, आई शैल फिनिश दिस वर्क विद इन 5 डे, इस तरीके से यूज़ करना होगा। ठीक है, सिंपल है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, राम विल कम फ्रॉम आगरा विद इन 5 आवर, मतलब राम पागरमन आगरा 5 घंटे में आ जाएगा। तो एक लिमिट आपको पता है कि यहाँ कहीं जाना है, कोई जो आपके घर से कोई जगह है जहाँ पर आपको पता है कि 1 घंटा लगता है जाने में, तो एक घंटा मतलब 30 से 40 किलोमीटर आपके घर से होगा, तो ये फिक्स है कि इतना ही लगेगा और आप उतने में वहाँ पर आ जाएंगे। तो जो चीज़ें ऐसी होती है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। अंडर की बात कर लेते हैं, तो के नीचे, अंडर का मीनिंग होता है हिंदी में के नीचे। तो यहाँ पर ऐसे मेरे पाँव टेबल के नीचे है, माई फीट अंडर द टेबल, तो वहाँ पर हम अंडर यूज़ करते हैं। बैग कुर्सी के नीचे है, द बैग इज़ लाइंग अंडर द टेबल, तो यहाँ पर अंडर द चेयर, तो यहाँ पर के नीचे कोई सामान रखा है, या किसी के कवर में कोई चीज़ हो रही है, या किसी के इस तरीके से कोई सामान है, अलमारी के नीचे है, ड्रॉअर के नीचे है, डेस्क के नीचे है, तो वहाँ पर हम के नीचे को यूज़ करते हैं, अंडर प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं ऑफ़ का, जो कि बहुत आता है, इसका मीनिंग का की के होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रशांत संतुर का भाई है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें, प्रशांत इज़ ब्रदर ऑफ संतुर। उसके बाद का भाई है, तो यहाँ पर वो हमें पढ़ने में पता चलता है। ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा आपको जो इंग्लिश के सेंटेंसेस दिखे रहे हैं, इनकी मीनिंग आनी चाहिए। अगर आप इसको ट्रांसलेट कर ले रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश को हिंदी में चेंज कर ले, तब आपको प्रपोजिशन को लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं थोड़ी भी प्रॉब्लम्स आपको आएगी ज़रूर। नेक्स्ट यहाँ पर है, वह बिरला स्कूल का विद्यार्थी है, तो ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ बिरला स्कूल, मतलब कोई स्कूल का नाम है, तो वहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखना, ऑफ को यूज़ किया गया है का के प्लेस पर,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या है कि ये इसका संबंध है वो विच्छेद या संबंध विच्छेद की कोई चीज़ है, रिलेशन की कोई बात है वहाँ पर, या रिश्ते के टूटने का कुछ समथिंग है तो वहाँ पर होता है। बिजली का बटन बंद कर दो तो बिजली का एक स्विच जलना है, उससे एक कनेक्शन काटना है तो स्विच ऑफ द लाइट। अपने कपड़े उतारो, टेक ऑफ योर क्लोथ्स, ठीक है, शूज़ उतारो, टेक ऑफ योर शूज़। तो इस तरीके से उस चीज़ को अलग करने के लिए हम ऑफ को यूज़ करते हैं, जहाँ पर कोई चीज़ अलग का भाव दिख रहा है, क्योंकि ऑफ का मतलब बंद होना होता, तो बंद मतलब कोई चीज़ हट जाना, निगेटिव होना, इस तरीके से। तो वहाँ पर हम जो है ऑफ को यूज़ करते हैं। फ्रॉम की बात आती है तो हम से लगाते हैं। से जैसे कोई सेंटेंस में, तो अंकित दिल्ली से आया, अंकित कहाँ से आया, अंकित दिल्ली से आया, अंकित हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, तो ये यहाँ पर हम फ्रॉम को यूज़ करेंगे। भारत ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, इंडिया हैज़ टेकन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, कहाँ से लिया है, वर्ल्ड बैंक से। तो यहाँ पर हम फ्रॉम प्रपोजिशन जो है वो सुटेबल है, बेस्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट, फॉर मतलब के लिए होता है, जो कोई चीज़ किसी के लिए है तो वहाँ पर इस रेफरेंस हम यूज़ करते हैं। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है, वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग जो धड़काते रहते हैं, ठीक है, रिजल्ट अच्छे ले आओ, इस तरीके से लगाओ कि मेरा 95% है तो तुम्हारा 85 कैसे हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से करो तो वो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। माई हर्ट इज़ बीटिंग फॉर यू, ठीक है, नेक्स्ट देखना। उसके बाद है, मैं बयान के लिए पेंसिल लाया, आई हैव बॉट अ पेंसिल फॉर बयान, तो यहाँ पर फॉर को यूज़ किया गया है। सो सिंपल एंड सो ईजी। आगे बढ़ते हैं, ऐट के लिए भी यूज़ होता है, जैसे केक की तरफ की कोई बात हो रही है, तुम मेरे तरफ क्यों देख रहे हो, वाई आर लुकिंग फ्रॉम, वाई आर लुकिंग एट मी। तो यहाँ पर हम जब के तरफ है या कोई के साइड की बात हो रही है, बोलते के लिए उनके लेफ्ट में रहते हैं, उनके राइट में रहते हैं, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो पड़ेगा ऐसे, तो जहाँ पर के तरफ की बात हो रही, कोई दिशा की बात ऐसे हो रही है तो वहाँ पर, ठीक है, उसने बॉल मेरी तरफ फेंकी, ही थ्रो द बॉल एट माई साइड, तो वहाँ पर हम के तरफ की जहाँ पर बात होती है, उसके तरफ बैठ जाओ, उसके तरफ रखा हुआ है, वहाँ पर रखा हुआ है, ऐसी कोई चीज़ है। तो नेक्स्ट आइए, विद। विद का मतलब के साथ होता है। आई प्ले विद माई फ्रेंड अवयन वॉज विल गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ये दोनों एक में हैं, तो यहाँ पर हम ऐसा यूज़ करते हैं। के साथ की बात है, जैसे खाने पीने की कोई बात है, साथ में खाते हैं पीते हैं, या मतलब ठीक है पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। आगे बढ़िए, तो इस तरीके से देखिए, है तो इजी इजी, आप में ना अंडर के, ऑन के, अपॉन के, इन के, फॉर के, फ्रॉम के छोटे छोटे ही आएंगे, बहुत बड़े बड़े बिरले बिरले नहीं आने वाले, सो सिंपल एंड सो इजी आएंगे, जो कि आप पुराने पेपर्स को जब आप खुद आप अगर कर रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ कि पुराने पेपर्स को लगाना स्टार्ट करिए, तो आप जब उसको करेंगे तो खुद देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ एकदम सिंपल सिंपल सी लगेंगी, जो कि काफ़ी ईजी होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, तो चलते हैं करते हैं एक्सरसाइज। मैंने एक्सरसाइज भी आप लोग के लिए, जिसमें भी प्रश्न लिए हैं, लेकिन पहले लाइक बनता है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक कर, जिन्होंने नहीं किया, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज का मज़ा लेते हैं कि एक्सरसाइज में आखिर इसमें क्या क्या दिया गया जो आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है। क्विक फटाक से लाइक करो भाई सभी लोग, ईच एंड एवरी वन। लाइक तो बनता है, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। चलिए फिर इसी के साथ आप बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ तक समझ में अगर आ गया है तो अब आप लोगों को ना ये कह सकते हैं कि बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत हद तक तो आप लोग कर ही लेंगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे हर चीज़ आने लगती, हर चीज़ आसान हो जाती। पहले सब कुछ टफ लगता है, हम लोग को भी हर चीज़ बहुत टफ लगती है, लेकिन कर लेते हैं तो आप भी कर लेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले एक्सरसाइज में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद एट, ऑन, इन, यही फिल करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपके हेल्प के तौर पर आपको बता दिया कि हम क्या फिल करेंगे, हम यही पूरे जितने भी आपके एक्सरसाइज रहेंगे इसमें सिर्फ ऑन, सिर्फ इन, सिर्फ एट, यही तीन होगा और कोई नहीं होगा। तो अब आपको बताना है कि कौन किस में होगा। सबसे पहला 12 सितंबर, 12 सितंबर, 12 सितंबर, तो क्या होगा, ऑन होगा, ऐट होगा, इन होगा, बता सकते हैं? उम्मीद है कि अब आप लोग सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। अब आप लेकिन सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर टच करने वाली बात ऑन और अपॉन में बताई थी, तो यहाँ पर 12 सितंबर के साथ तो कुछ टच ही नहीं हो रहा, तो कैसे कहेंगे? ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो नियम है वो हर जगह इस तरह एप्लीकेबल हो जाएंगे, फिर कोई चीज़ अगर उस दिन हुई है तो उस इंसिडेंस में भी तो यूज़ होता है, यही तो सीखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में 12 सितंबर है तो कहते हैं ऑन 12 सितंबर, ठीक है, क्या कहते हैं,
ऑन 12 सितंबर के ऑन 12 कहते हैं, क्यों कहते हैं आपको मालूम भी है, इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि उस दिन हुआ था, 12 सितंबर को शादी फिक्स हुई थी, 12 सितंबर को बर्थडे मनाया गया था, तो ऑन 12 से 12 सितंबर को आपका फेल का रिजल्ट आया था, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, पहला हो गया पहले में ऑन होगा, दूसरा द इवनिंग, एट इवनिंग, इन इवनिंग, द इवनिंग क्या होगा, एट इवनिंग, ऑन इवनिंग, द इवनिंग, एट इन और ऑन, एट इन और ऑन, तो क्या होगा, तो हम जानते हैं हम रोज़ शाम को घूमने जाते हैं, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, तो इन यहाँ पर फिल होगा। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, हाफ पास्ट फोर, एट हाफ पास्ट फोर होगा, इन होगा, ऑन होगा, एट हाफ पास्ट फोर होगा, इन होगा, ऑन होगा, तो तीसरे का राइट आंसर जो है वो एट होगा, क्या होगा, एट हाफ पास्ट फोर। इसी के साथ नेक्स्ट, वेडनेसडे, वेडनेसडे में क्या होगा, ऑन वेडनेसडे, इन वेडनेसडे, एट वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे, इन वेडनेसडे, एट वेडनेसडे, फोर्थ में क्या फिल करेंगे, तो फोर्थ में हम क्या फिल करेंगे, फोर्थ में ऑन, अभी मैंने आपको बताया ऑन वेडनेसडे को हमें घूमने जाना है। नेक्स्ट देखिए, 2006, इन 2006, एट इन ऑन 2006, फिफ्थ में क्या होगा बता सकते हैं, क्या होगा, 2006 में आपका रिजल्ट आया था, 2006 में आप मुंबई घूमने गए थे, 2006 में आपने प्रॉपर्टी ली थी, 2006 में आपका बेबी हुआ था, 2006 में आपने चोरी की थी, 2006 में आपने अमरूद तोड़ा था क्या किया था 2006 में, कुछ नहीं, साइकिल चलाई थी और पैर तोड़ा था, तो यहाँ पर क्या होगा, 2006 में क्या किया था, तो ये मई में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर इन फेल होगा। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, सितंबर सिक्स्थ में क्या होगा, तो ऐसी कोई समय की बात है, ये कोई सर्टेन चाहिए, तो वहाँ पर हमेशा इन सितंबर में बर्थडे आता है, सितंबर में मेरा बर्थडे आता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अगस्त है, क्या होगा, अगस्त है, सेवन, इन अगस्त, इन 25 अगस्त, ऑन 25 अगस्त, एट 25 अगस्त, तो यहाँ पर हम जानते हैं ऑन 25 अगस्त होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑन 25। नेक्स्ट आइए, फ्राइडे, फ्राइडे में क्या होगा, ऑन फ्राइडे, इन फ्राइडे, एट फ्राइडे, ऑन इन एट, ऑन इन एट, क्या होगा, ऑन फ्राइडे, क्या होगा, ऑन फ्राइडे। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नाइन्थ देखिए क्या है, 12:30, मतलब 12:35, 12:35 हो रहा है, तो ये यहाँ पर नाइन्थ में क्या फिल करेंगे, इन 9:30 बज रहा है, 12:30 बज रहा है, इन एन ऑट, तो यहाँ पर ऐड करेंगे, समय के साथ ऐड यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्रिसमस डे, ऑन क्रिसमस डे, एट क्रिसमस डे, ऑन क्रिसमस डे या एट क्रिसमस डे या इन क्रिसमस डे, तो यहाँ पर हम जानते हैं ऑन क्रिसमस डे होगा। इसी के साथ नेक्स्ट, दिवाली, ऑन दिवाली, एट दिवाली, इन दिवाली, ठीक है, क्या होगा, ऑन दिवाली, एट दिवाली और इन दिवाली, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो 11th में क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा 11th में क्या होगा, 11th में एट दिवाली, ठीक है, समय की बात है दिवाली के समय। नेक्स्ट देखिए, मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, क्या होगा, ऑन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग वी गो फॉर अ वॉक। 14 आइए, वेडनेसडे, वेडनेसडे मॉर्निंग, वेडनेसडे मॉर्निंग, वेडनेसडे मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है, ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग वी मीट। नेक्स्ट देखिए, 15 में क्या होगा, 15 एट सैटरडे नाइट, ठीक है, शनिवार की रात में, एट सैटरडे नाइट, नाइट के साथ क्या फिल करोगे, तो यहाँ पर भी हम क्या जानते हैं, 17 में क्या होगा, 16, 17 में क्या होगा, तो यहाँ पर भी एट होगा, समय के साथ है, ये सारी चीज़ों के साथ हमेशा हम एट लगाते हैं। आगे बढ़िए, द एंड ऑफ द डे, द वीकेंड, द समर, ये आपको बताना है, ठीक है, यही इतना मैंने तीन और लिया है, क्या होगा, तो हम सभी जानते हैं कि समर के साथ क्या होगा, इन समर होगा, वीकेंड के साथ क्या होगा, एट वीकेंड पे, एट द एंड ऑफ द डे पे क्या होगा, इसमें भी आपका एट होगा, ठीक है। तो ये रही आज की एक्सरसाइज और आज की बहुत ही अच्छी सी क्लास, जहाँ पे हमने के कल मैं इसके ऊपर आपको फिलिंदा ब्लैंक्स करवाऊंगी, फिलिंदा ब्लैंक्स की एक्सरसाइज होगी और भी काफ़ी चीज़ें, कल इसके ऊपर और भी क्लास होगी, अभी मैं इसके ऊपर और एक्सरसाइज आपको करवाऊंगी, कम से कम 2-4 मतलब 2 दिन अभी इसके ऊपर मैं क्लास करूँगी, ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए, और 2 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो आपको कम से कम इतना क्लियर रहे, ठीक है। आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाला भी वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है हिंदी में वो इंग्लिश में भी आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्लास करते ही ओवर, आज की क्लास भी हो गई है काफ़ी ओवर, काफ़ी अच्छी क्लास है, और स्माइल भी काफ़ी अच्छी आ रही है ना नीरू भाई साहब की। चलते हैं, मिलते हैं, फिर मिलते हैं कल अपने सेम टाइम पे, तब तक के लिए टेक केयर, रेस्ट करिए, बाय बाय।